Hey guys, welcome back. भाई रात हो गई है और अपॉइंटमेंट ली है हमने. आपको पता है हम किसके घर जा रहे हैं? एक अपना बहुत खास दोस्त है एम्परर, उसका कुछ सामान देने के लिए. वो सामने सामान जा रहा है. एक बार भाई वहाँ दिखा दो जरा. ये है देखो सामान. नीचे वाला नहीं है, ऊपर वाला है. सीक्रेट सीक्रेट बॉडीगार्ड लगे हैं पीछे से तीन. यार गाइस देखो, अभी ना बहुत ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं हम लोग. हमको पहुंचना था 6 बजे वहाँ पे और भाई 6:30 हो गया हमको यहीं. और उसके आगे का सिर्फ ये प्लान नहीं कि वहाँ जाना है, फिर अंशु को लेकर के थोड़ा कुछ खाने पीने के लिए. मेरे को भूख लग रही है तो मैं उसको भी लेके जाऊँगा. ये सब मेरे साथ जाएंगे. और आज शुरुआत गाड़ी से कर रखी है क्योंकि आज मेरा मन नहीं था बाइक में निकालने का या ब्लॉक करने का. अंशु का रिएक्शन देखना है ये कैसा रहेगा. बट दिस होल फकिंग थिंग इज बिल्ड एट माई प्लेस और आइडियाज़ बहुत सारे लोगों के थे और इसको बनाया गया है मेरे घर पे. माय इंजीनियर डैड गेव मी लाइक पर्टिकुलर फकिंग ऑसम आइडियाज़, सब उन्हीं का था. मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सिर्फ सामान लेके आया हूँ और मैंने सामान प्रोवाइड किया है. डायरेक्टली मैं तुम लोग को सीधा अंशु का रिएक्शन दिखाने वाला हूँ. रिएक्शन देखने के बाद लेट्स सी इफ ही लाइक्स, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा करी है और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दे रखी थी इस चीज़ को लेकर के. शायद एक महीने से हम लोग लगे पड़े थे इसके पीछे. आई होप यू गाइज विल एंजॉय द वीडियो. हम सबकी साथ में चलती रहेंगी वीडियोस, तो यू गाइज विल एंजॉय इट. चलो सीधे मिलते हैं अंशु से. अब गाइज एक सरप्राइज हो गया हमारे साथ, मतलब सरप्राइज क्यों, हमारा पोपट हो गया. हमने अंशु से 6 बजे की टाइमिंग ली थी. अंशु के घर जा रहे थे और अंशु अभी घर के बाहर. अंशु कह रहा भाई मैं बाइक धुलाने के लिए गया हुआ हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा. अब ऐसा ना हो कि हमारा जाना और अंशु का आना एकदम सेम कोलिजन टाइम में हो और वो जो सरप्राइज दे और हम ही सरप्राइज हो. उतारना है इसमें क्या है ये आपके 1 मिलियन था. ये 1 मिलियन में तुम्हारा प्लान था. मस्त भाई. भाई 1 मिलियन होके तो काफी टाइम हो गया. फिर ये भाई यार ये एक साल बाद ये की तरफ से एमपी ने कराए जी. और भाई भाई लेकिन हमें वो करने में टाइम लग गया थोड़ा, मतलब उसको डिजाइनिंग करने में बहुत समय लग गया उसको. भाई ऐसे मत बोलना कि इसके अंदर एक पूरा रिजॉर्ट है भाई. ऐसे भाई रिजॉर्ट मैं भी रह सकता हूँ. मैं गरीब आदमी रह सकता हूँ. मतलब आधा तेरा यहाँ तक आ जाएगा भाई ऐसे बन के. नहीं नहीं अंशु ने ऐसे यहाँ से ऐसे कमर तक फिट आया, टांगे इसके ऐसे बाहर रही है, यहाँ तक रह सकता है. अबे भाई एक स्पेशल चीज है. चलो खाना भाई आगे रोटियां भाई आगे. बढ़िया हाँ, 2 दिन उधर से लग जाओ. चला चलाओ उठा के लगता. बहुत बढ़िया भाई, बहुत भारी है. उड़दा सर पे ना पड़ जाए. भाई जिम करने का फायदा, पेट निकल गया. कौन सी लाउस. अरे भाई यार, भाई ये तो सही में बहुत बड़ा है यार. मैं जाके देखूंगा इसके अंदर. हाँ जाके देखना भाई. मेरा न्यू गेमिंग सेटअप यहाँ पे चेक हो रहे हैं भाई. ये देखो भाई, ये देखो ये. हेलो, अगर अगर मैं फिट आ सकता तो पॉम्पी भी फिट आ सकता. मतलब ठीक है भाई. अरे मैं निकल नहीं पाऊंगा क्या? पैसे लगाए थे मैं बोलता थोड़ी देर के लिए. अभी
तो ये हो गया मेरा कमरा, यहाँ से पंप निकल जाएगा। अच्छा लग रहा है काफी यार, वुडन फिनिश। चलो बच्चे नहीं अगर जाके तो देखो एक बार पंप। अरे यहाँ पंप ना डर रहेगा, एक बार ए ओ हाँ पंपी ले पंपी पंपी रुक जा रुक जा। अरे रुक जा दादी ले पंपी। इसके अंदर बिछाने वाला कुछ हाँ कुछ हाँ मैं भाई सर्दियाँ आ रही हैं। घुस गया तो ओहो ये भी है क्या? हाँ ये तुम्हारी तरफ से। हाँ बेबी क्या आ गया पंपी, कैसा लगा देखो बाबू? चल 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 वो के तो अंदर। अरे जा रहे हैं भाई जा रहे हैं भाई। पंपी कैसा हो? मैंने कुछ खाने का डाला था वो लेके आ गया बाहर को कि पंपी की तरफ से थैंक यू सुनो जाए। भाई मेरे को तो पेडिग्री वेडिग्री खिला के थैंक यू बोलेगा यार। क्या हेलो भाई अनबॉक्सिंग अभी होनी चाहिए ना, इंडियन मेथड कैमरे पे लेते हैं अनबॉक्सिंग। ओए ओए भाई ऐसा ना हो कि इस पे मैं बैठा हूँ। इसमें एक तकिया भी है भाई, ये नीला कलर मेरा फेवरेट। इसमें एक तकिया भी है। ओह पॉम्पी तकिया छोड़ता है ना ऊपर से। हाँ ना गिरा के। अरे भाई देख रहे हो क्या सारे ब्लॉग सब देखते हैं भाई, देख रहे हो सारे ब्लॉग तो भाई। मैंने अपनी 10 फेक आईडी से तेरे को सब्सक्राइब भी किया हुआ है, ये बोलना थोड़ी ना होता है भाई। 10 लाइक 10-10 लाइक हमारे ही है। इसकी मदद करनी पड़ेगी लग रहा है। ये अंशु की गेमिंग चेयर में मिलेगा। परफेक्ट फिट आ रहा है अंदर। और ये तकिया, ये तकिया तो मेरे को लग नहीं रहा है पॉम्पी रखेगा, ये तो पॉम्पी चमाई का भाई रखेगा। अंजु हाँ जी हाउ वाज इट भाई? मस्त था भाई, मेरे को मतलब एक बार बस पॉम्पी को आदत डलानी पड़ेगी अंदर ले जाने की। हाँ। उसके बाद तो भाई ऑसम था भाई यार। थैंक यू सो मच टू यू एंड एम्परर भाई, क्रेजी गिफ्ट यार, मजाक नहीं कर रहा। चल यार मोस्ट सेटिस्फेक्शन इसी बात का है कि भाई अपना एकदम डार्लिंग खुश रहा गिफ्ट से। मैं सोचू भाई एक बार बस पॉम्पी का आदत पड़ जाए फिर वो उसी में पड़ा रहे भाई। भाई पॉम्पी का कैसी ठंड पड़ने लग गई है अभी से, ठंडा लग रहा है उसका तो क्या ही हाल हो गया यार। ओह फक, सो टुडेज वाज फकिंग ऑसम। अब जल्दी ही जिम कुछ करते हैं अपना। यस डन, कोई करते कुछ ट्रिप ट्रिप मारते, जल्दी से सॉर्टेड कोई सीन करते हैं। और टिल देन सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट व्लॉग। आई मेरी मेरी डार्लिंग खड़ी है सामने। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ये चल।